सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली जो है टीवीएस राइडर जो है कुछ नए कलर ऑप्शन के साथ जो है इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कलर ऑप्शन जो है फिलहाल अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। इसको कंपनी ने जो है कोलंबिया में दो कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। जो कलर कोलंबिया में लॉन्च हुए हैं उसमें ये जो आप देख रहे हैं मियामी ब्लू और दूसरा ये व्हाइट कलर जो है लॉन्च कर दिए। तो इसी दो कलर के साथ जो है कंपनी फिर से एक बार जो है इस बाइक को जो नए कलर ऑप्शन के साथ इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है इस बाइक में जो आपको किक वेरिएंट देखने को मिलता है, बट इंडिया में जो राइडर आती है उसमें आपको जो किक वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कलर, क्योंकि इसमें आपको जो मॉडिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अलावा भी आपको कलर वाले देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसके लुक्स और डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए तो इसका लुक्स और डिज़ाइन आपको जो है इंडिया में जो राइडर आती है सेम आपको उसी तरह से इसमें जो फीचर्स यानी कि जो सस्पेंशन मिलते हैं, जो टायर्स मिलते हैं और जो अलॉयल्स मिलते हैं सारी बातें सेम मिलने वाली है। इसका इंजन में आपको जो है एकदम एग्जैक्टली इंडिया में जो बाइक आती है उसी तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है OPD2 सेंसर भी मिलने वाला है। E20 का सपोर्ट भी आपको इसे देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसमें आप जो 20% जो इथेनॉल इस्तेमाल कर सकते हो और अपने माइलेज को जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी इस बाइक का जो DRS मिलता है वो दूसरी बाइक से जो है इस बाइक को काफ़ी अलग बनाता है। इसकी वजह से इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें TFT डिस्प्ले आपको मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है, 5-10 इंजन कटअप सिस्टम आपको मिलता है, जो फीचर्स दूसरी बाइक्स नहीं देती हैं। TVS हमेशा फीचर्स के मामले में आगे रहती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो TVS जो है कभी भी फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो अगर इसी प्राइसिंग के बारे में अगर को मैं बता दूं तो इसकी प्राइसिंग आपको जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट अगर आप लेते हो उसकी एक शोरूम प्राइस आपको जो है 1,820,000 रुपये के करीब जो है एक शोरूम देखने को मिलने वाली है। और अगर आप इसका स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको जो है 94,719 रुपीज़ की जो एक शोरूम देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ इस कलर ऑप्शन के बारे में बताना था। बाकी आपको ये कलर कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके लॉन्चिंग के बारे में अगर आपको बता दूं, जल्द ही कंपनी यानी कि इस साल के एंड में ही इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो यही थी कुछ छोटी सी अपडेट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।